आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर में पादप जगत को यानी कि प्लांट किंगडम को अलग अलग डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे हायर डिवीजन जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसे फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण, इसका मेन रीज़न, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स का प्रेजेंट होना या पुष्प की उत्पत्ति है। जो पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो हाईली मॉडिफाइड शूट्स होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड शूट्स होते हैं प्लांट के, और ये प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेंशियल पार्ट्स हैं। तो हम फ्लावर के लिए एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड शूट मींट एसेंशियली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। हिंदी में आप लिख सकते हैं, पुष्प पादपों में लैंगिक
जनन के लिए एक आवश्यक रूपांतरित प्ररोह है। तो हमें ये समझ में आ गया कि फूल जो है वो क्या है, पुष्प क्या है। पुष्प जो पौधे के प्ररोह होते हैं, उस प्ररोह का एक रूपांतरिक रूपांतरित यानी कि जो अपना जो कन्वर्ट हो गया या मॉडिफाइड हो गया, ऐसा एक पार्ट है। और ये बेसिकली सेक्सुअल प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम थोड़े से फ्लावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। जैसे हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फ्लावर्स के बारे में, उसके भागों यानी कि कह सकते हैं कि उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। फिर भी एक थोड़ा सा हम उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटा सा इमेज जो है फ्लावर का यहाँ पर लाया हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नीचे पेडिकल होता है जिसको स्टॉक भी कहते हैं। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसे पुष्प वृंत कहा जाता है। इस पुष्प वृंत या पेडिकल के जस्ट ऊपर में एक फूला हुआ भाग होता है, स्वॉलन पार्ट। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा या और कोई गुलाब का फूल देखा होगा या और कोई दूसरा फूल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि फूल की नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, स्वॉलन पार्ट होता है। उस स्वॉलन पार्ट को क्या कहते हैं? उस स्वॉलन पार्ट को रिसेप्टिकल या फिर थैलमस कहते हैं। हिंदी में इसे पुष्पासन कहा जाता है। अब आप गौर कीजिए, ध्यान से देखिए कि इस पुष्पासन या थैलमस के ऊपर में जो फ्लावर है, फूल है, पुष्प है, वो पूरी तरह से अरेंज्ड है। इस अरेंजमेंट को पुष्प विन्यास या फ्लावर वॉल्स कहा जाता है। फ्लावर वॉल्स या वॉल्स ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो ये जो फ्लावर वॉल्स होते हैं, ये किसी भी फूल में, किसी भी फ्लावर के अंदर, किसी भी पुष्प में, ये चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम इसको एक लाइन लिख लेते हैं। ए टिपिकल फ्लावर
हैज फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली successively on the swollen end of the stalk और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। हिंदी में इसे आप लिख सकते हैं एक प्ररूपी पुष्प में चार भिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए स्वालेन है ना स्वालेन पार्ट स्वालेन एंड पुष्पावृंत जिसे पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं। ठीक है, अब फिर हम आते हैं इसी फ्लावर पे, इसी पुष्प पे। तो पुष्प के जो ये चार विन्यास होते हैं, चार प्रकार के, या कह सकते हैं कि जो पुष्प विन्यास हैं वो विन्यास क्या क्या हैं, या कह सकते हैं कि वो फ्लावर फ्लावर होल्स कौन कौन से हैं, तो आप इस फूल को फिर से गौर से देखिए। मैं इस पे जो है मैंने जो लिखा है इसको पहले साफ कर देता हूँ।
ये फिगर आपका क्लियर हो गया। अब आप इस फिगर में गौर से देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस थैलेमस के ऊपर ये आपका पेडिकल और थैलेमस है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये एक, ये दूसरा, ये आप देख सकते हैं तीसरा, और ये आप देख सकते हैं ये चौथा। ये चार विन्यास हैं या चार फोर टाइप्स के वॉल्स हैं। इन वॉल्स को क्या कहते हैं आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सेपल, या इसे कैलेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो रंगीन हिस्सा है, कलरफुल पार्ट जो है प्लांट का, जिस इसको पेटल या फिर इसे कोरोला का भी कहा जाता है। इसके बाद आप आइए यहाँ, या आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, कुछ ऊपर में एक अलग सा सी संरचना और एक पतला सा तंतु इसके साथ लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है। उस फिलामेंट और उस फूले हुए भाग को स्टैमेन या एंड्रोसियम कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बीच में इसका एक अलग से भाग है जो कुछ सुराही नुमा है, इसे कार्पल या पिस्टिल या गाइनोशियम कहते हैं। हिंदी में अगर मैं इनके नाम बताऊं तो बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, तथा जायांग या अंडप कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, दीज दीज वॉल्स ऑफ फ्लावर आर कैलेक्स। सेपल कह सकते हैं आप इसको, कोरोला, पेटल, एंड्रोसियम, इसे स्टैमेन भी कहते हैं, एंड गाइनोशियम कार्पल या पिस्टिल हिंदी में आप लिख सकते हैं,
ये पुष्प विन्यास, हैं बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, इसको पुंकेसर भी कहा जाता है, तथा जायांग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसे अंडप भी कहते हैं। तो ये हो गए। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कैलेक्स और कोरोला है, कैलेक्स और कोरोला, ये किसी भी फ्लावर के एसेसरी अंग होते हैं, एसेसरी सहायक अंग होते हैं। ये फूल को खूबसूरती प्रदान करते हैं या उसको कुछ स्टेबिलिटी में सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एंड्रोसियम और आपका गाइनोसियम होता है, ये किसी भी पुष्प का, किसी भी फ्लावर का, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, लैंगिक अंग होता है। प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में यह दोनों अंग मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आप उसके लिए भी एक लाइन लिख सकते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिंदी में आप लिख सकते हैं। कोरोला यानी कि बाह्य दल, सॉरी, कोरोला यानी कि दलपुंज, और कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, बाह्य दल सहायक अंग हैं। जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, कैलिक्स और कोरोला से रिलेटेड, अभी आपने ऊपर जो फ्लावर देखा, इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि जो इसका कैलिक्स या सेपल है, ये
कोरोला या पेटल से अलग है, दोनों को डिफ्रेंशिएट दोनों डिफ्रेंशिएट हैं और दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। मगर कुछ फूल, सम फ्लावर्स जैसे लिली, उसमें जो कैलिक्स और कोरोला हैं उनको डिफाइन करना इम्पॉसिबल होता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक साथ लगे होते हैं, दोनों अलग होते ही नहीं हैं। उसमें आप डिफाइन कर ही नहीं सकते कि कौन कैलिक्स है और कौन कोरोला है। ये जैसे मैंने आपके सामने दो फ्लावर्स लेके आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी कैलिक्स नहीं है और कोरोला है, बट कोरोला के नीचे कैलिक्स कहीं भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैलिक्स नहीं है, कैलिक्स है परंतु वो डिस्टिंक्ट है बिल्कुल, सॉरी वो बिल्कुल अटैच्ड है, डिस्टिंक्ट नहीं है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे देखिए उसका एक वर्चुअल इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका इसका जो है कोरोला और कैलिक्स दोनों यहाँ पर अलग अलग नहीं है। तो इस कंडीशन को, ऐसी स्थिति को प्लांट फ्लावर्स के अंदर, जब किसी भी फूल के अंदर ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति को पेरियंथ कहा जाता है। जब कोरोला और कैलिक्स बिल्कुल एक साथ होते हैं तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज कहते हैं, परिदल पुंज कहते हैं इसे। तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ये आपका एग्जाम्पल हो गया लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं होते, एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। आप हिंदी में लिख सकते हैं, कुछ फूलों में, सॉरी, कुछ फूलों जैसे लिली में बाह्य दल तथा दल पुंज में कोई अंतर नहीं होता, इन्हें परी दलपुंज पेरियंथ कहते हैं।
अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और एनिमल में जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर एक मेल और एक फीमेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसी तरह से फ्लावर के अंदर में भी, या कह सकते हैं कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो उसी तरह से फ्लावर के अंदर में भी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो फ्लावर के अंदर में जो एंड्रोशियम होता है और जो गाइनोशियम होता है, ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है जबकि गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम डिफरेंट डिफरेंट फूल में प्रेजेंट होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फूल में प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को या उस टाइप के प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ये एक फ्लावर का इमेज है मैंने दिखाया आपको। आप देख सकते हैं कि इस फ्लावर के अंदर में ये आपका एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। यानी कि एक फूल के अंदर में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कहते हैं। जबकि जब मेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट फ्लावर में, या कह सकते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स में है ना प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। यानी कि एक फूल में सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एक फूल में सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि दूसरे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एक ही फूल के अंदर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन साथ में प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, और इस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल, और ये बाइसेक्सुअल कहा जाता है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं When a flower has both androecium and गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। बट
ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन, स्टामेन मतलब समझ रहे हैं, स्टामेन मीन्स एंड्रोशियम, और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब फूल में उमंग तथा जायांग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं, किंतु यदि किसी पुष्प में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये आपका फ्लावर से रिलेटेड जो भी आपका जानकारी थी वो आपको मिल गई। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, और जब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं उसके पहले कुछ दो एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको पहले लिखा दूंगा, उसके बाद इसके आगे हम लोग बात करेंगे।